तो कैसे आप सभी, स्वागत करता हूं सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में, या तो कह सकते हैं एक नई थोड़ी डिफरेंट टाइप की ट्रेन है, या प्रीमियम ट्रेन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक बढ़िया ट्रेन जिसे कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डायनामिक फेयर लगाया जाता है। या मैं बात कर रहा हूँ, आज हम जर्नी करने वाले ट्रेन नंबर 82654 जयपुर यशवंतपुर सुविधा एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते में चलती है सिर्फ एक दिन शनिवार को। और ये ट्रेन अपने जर्नी के दौरान लगभग 2450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 42 घंटा 35 मिनट में 24 हॉल्ट्स के साथ, 8 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ और मैक्स परमिसेबल स्पीड 130 किलोमीटर के साथ ये ट्रेन चलती है। पहली सर्विस दी गई थी 9 दिसंबर 2014 में और हम इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं सोलापुर रेलवे स्टेशन से। जी हाँ, सोलापुर से बोर्ड करने वाले, क्योंकि हम वंदे भारत से सोलापुर आए हैं, तो सोलापुर से ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं। और सोलापुर से यशवंतपुर का जो मुझे फेयर पड़ा है ना, बहुत ही ज़्यादा भाई, राजधानी दुरंतो से भी ज़्यादा फेयर इसमें डायनामिक फेयर लगता है। तो बुकिंग करते समय अब जितना पहले कर लीजिएगा उतना कम रेट में आपको टिकट का प्राइस पड़ेगा। इंतजार करते हैं, ट्रेन का आने का टाइम था रात का 12:15 में सोलापुर में, तो बिल्कुल ट्रेन ऑन टाइम चल रही है, 5-10 मिनट इधर से उधर हो सकता है अराइवल टाइम में। ट्रेन का इंतजार करते हैं, ट्रेन को आने दीजिए, फिर अपना बोर्ड करते हैं। आज अपने स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाले कोच है S4। एक बात और बता दूं, जितनी भी सुविधा एक्सप्रेस चलती है किसी में भी जनरल के डब्बे नहीं लगाए जाते हैं, जनरल के कोचेस। दोस्तों देख सकते हैं 12:12 हो रहा है और अपनी ट्रेन आ चुकी है। लोकोमोटिव है लालागुड़ा का WAP-7 यशवंतपुर जयपुर। एकदम भीड़ नहीं है ट्रेन को चढ़ने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा किराया है ना ये ट्रेन का। चलते हैं अंदर। ये है अपना बर्थ 35 नंबर। अपनी ट्रेन तो निकल चुकी है। The next morning. अभी अपनी ट्रेन गुंताकल स्टेशन पहुंची है, गुंताकल जंक्शन, स्टेशन कोड हुआ GTL और यहां पर इस ट्रेन का लगभग 10 मिनट का हॉल्ट है। और ट्रेन आई यहां पे 7 बजे का टाइम था, 6:52 में, और ट्रेन लगभग 25 मिनट से खड़ी है, यानी कि यहां पर लेट हो चुकी है। स्टेशन की बात करें स्टेशन की, तो यहां पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और अभी फिलहाल 124 ट्रेनें आकर हॉल्ट होती है, 7 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, और ये पड़ता है अनंतपुर जिले में, डिवीज़न हो गया गुंताकल। ट्रेन निकल चुकी है 35 मिनट के हॉल्ट के साथ, ये ट्रेन 35 मिनट रुकी है यहाँ पे गुंताकल में और फाइनली निकल चुकी है। यहाँ पर लोकोमोटिव जो है चेंज किया गया, रिवर्सल किया गया, डीजल लोकोमोटिव आगे लगाया गया है, इलेक्ट्रिक हटा गया, इसलिए टाइम लग गया ट्रेन में, लेकिन ऑफिशियल हॉल्ट जो है 10 मिनट का था यहाँ पर।
बेलारी हमने क्रॉस किया है, बेलारी स्टेशन पे उतरे नहीं क्योंकि ऑफिशियल हॉल्ट तो 5 मिनट का, लेकिन ट्रेन रुकी लगभग 2 ही मिनट रुकी, 2 मिनट भी नहीं रुकी है, सिग्नल मिला ट्रेन चल दी। और लेट ट्रेन का यही होता है, कोई ऑफिशियल टाइम नहीं रहता कि हाँ इतने टाइम रुकेगी। बेलारी पड़ता है कर्नाटका के हुबली डिवीज़न में, और जोन हो गया साउथ वेस्टर्न रेलवे, और अपनी ट्रेन वहाँ पर पहुँची है लगभग 20 मिनट लेट। तो अब 2-3 स्टेशन है जहाँ पे इस ट्रेन का 1-1 मिनट का हॉल्ट है, वो सब मैं स्किप करने वाला हूँ। मिलते हैं आपसे अरसिकेरे जंक्शन में। चित्रा दुर्ग पार कर चुकी है और अभी अपना लंच भी आया नहीं है, तो मैं अब आपको बता देता हूँ। ये ट्रेन अभी सिंगल लाइन में चल रही है और स्पीड ना ट्रेन की बहुत ही बढ़िया स्पीड से चलती है ट्रेन, चाहे जितनी भी ट्रेनें मैंने देखी है सिंगल लाइन में बहुत स्लो चलती है। ज़्यादातर जो हॉल्ट नहीं होते जो स्टेशन में वो भी हॉल्ट में रुक जाती है, लेकिन ये ट्रेन अपना जो ऑफिशियल हॉल्ट है वहाँ से सीधा अपने ऑफिशियल हॉल्ट पर ही रुकती है। बाकी की जो ट्रेनें होती हैं उनको लूप लाइन में लगा के इसे क्रॉस कराया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है इस ट्रेन को। और अभी अपनी ट्रेन लगभग 5 से 10 मिनट बिफोर चल रही है अपने टाइम से, निर्धारित समय से। ये बात हो गई ट्रेन की, अब बात करते हैं फेयर के बारे में। तो फेयर के बारे में आप देख सकते हैं, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 70% ट्रेन पूरी खाली जा रही है। रीज़न इसका फेयर, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें डायनामिक फेयर लगाया जाता है ना। अगर आप, मैं बता दूँ, जयपुर से यशवंतपुर तक का ट्रैवल करते हैं तो आपको पड़ेगा मिनिमम से मिनिमम इसका जो प्राइसिंग जो स्टार्टिंग है वो है 1100 और ज़्यादा से ज़्यादा 2600 रुपीज़, यानी कि 2600 रुपये इसका हाइस्ट प्राइस है। तो जितना जल्दी बुकिंग कर लेंगे उतना थोड़ा प्राइस डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन जितना टाइमिंग बढ़ते रहेगा उतना प्राइस इसका इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ, मैं अगर बताऊँ तो मैं सोलापुर से इस ट्रेन को बोर्ड किया हूँ। सोलापुर से यशवंतपुर तक का जो मेरे को स्लीपर का जो फेयर पड़ा है वो मुंबई से सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस का भी नहीं पड़ा है, या मैंने पे किया है 1600 रुपीज़, यानी कि 1600 रुपये इस ट्रेन में। तो कौन भाई ट्रेन कहाँ से भिड़ जाएगी, ट्रेन तो खाली जाएगी ना। ऑलमोस्ट ट्रेन चलाई जा रही है मुंबई से सोलापुर से यशवंतपुर के लिए, वो भी 350 के टिकट आते हैं, ज़्यादा नहीं ज़्यादा वो सुविधा, बस ये प्रायोरिटी दी जाती है ट्रेन को, ये मान लो। बाकी और कुछ भी वैसा खास नहीं है। हाँ, जैसे अर्जेंट में जाना है उसके लिए ट्रेन बेटर है, सीट एवरी टाइम चार्ट लगने के बाद भी अवेलेबल रहती है, चाहे तो बुक कर सकते हैं। अपना जो लंच आ चुका है, देखते हैं लंच में इन्होंने क्या दिया है वैशाली में। ये तो रोटी है, दिख रहा है रोटी है, इसे अनबॉक्स करते हैं। इन्होंने दिया है
आलू मटर की सब्जी है और ये दाल है, दाल का क्वांटिटी देखिए। और ये राइस है, ये पिकल है, बस और कुछ नहीं, ये रोटी है, रोटी भी 2 पीस दिया हुआ है। तो देखते हैं इनका, पहले ये इनका सब्जी है, सब्जी ठीक है, ज़्यादा खास नहीं, एवरेज है। दाल सही नहीं है भाई, पतला दाल है, टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, दाल भी पतला है, क्वांटिटी भी ठीक नहीं है दाल की, दाल की क्वांटिटी भी ठीक नहीं है। थोड़ा देख सकते हैं कैसा दाल दिया इन्होंने, ठीक है, खाली है पूरा, थोड़ा सा दाल दिया है, सब्जी पूरी भरी हुई है लेकिन दाल खाली है, टेस्ट भी सही नहीं है दाल का। और ये प्राइस, ये थाली मेरे को पड़ा 80 रुपये का, जो वर्थलेस तो मेरे को नहीं लगता है, खाना वैसा बढ़िया नहीं है। और पेंट्री का खाना ट्राई मत कीजिएगा, फिजूल का पैसा वेस्ट है। हमें क्रॉस करेगा ये वो है यशवंतपुर बाड़मेर एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और अपनी ट्रेन अभी लगभग 40 मिनट लेट हो चुकी है। तो निर्धारित समय से 45 मिनट के देरी के साथ अपन आ चुके हैं, सुविधा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आरसी केरे जंक्शन, जिसका थर्ड लास्ट स्टॉप है। और स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, और अभी फ़िलहाल यहाँ पर 96 ट्रेनें आकर हॉल्ट होती है और 4 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और ये अरसीकेरे पड़ता है कर्नाटका के हसन ज़िले में, और डिवीज़न हो गया मैसूर, और यहाँ पर आपको खाना वगैरह सब कुछ मिलेगा, यानी कि वेज पुलाव, वेज बिरयानी, इडली वगैरह तो मिलता ही है सभी स्टेशनों में, इडली वगैरह तो सब, तो ये कर्नाटक वाली लाइन में आपको हर स्टेशन में देखने को मिल जाएगा। ट्रेन यहाँ से डिपार्ट ले रही है, ये मैसूर से आई है और सिमोगा टाउन को जा रही है। सिमोगा टाउन किस तरफ पड़ता है वैसे तो आइडिया नहीं है, ठीक है।
सो गाइस अपनी सुविधा एक्सप्रेस का जर्नी यहीं पर एंड होता है। पहुंच चुके हम लोग यशवंतपुर जंक्शन, स्टेशन कोड हुआ YPR और यहां पर 6 प्लेटफॉर्म है और अभी फिलहाल 73 ट्रेन आकर होल्ट होती है और 52 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और सुविधा एक्सप्रेस की जर्नी यहीं पर एंड होती है। कुछ सुविधा एक्सप्रेस कुछ बस हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन है और हमें पहुँचाई लगभग 45 मिनट बिफोर, 5 बजे का टाइम था तो 4:15 में हमें ट्रेन यहाँ पर पहुँचाई है। हाँ, हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन है तो जिसको भी राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी कि मुंबई कहीं से भी अगर यशवंतपुर आना है, बेंगलोर आना है तो इस ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं, टिकट इसमें ले सकते हैं। इसमें अवेलेबल आपका एनी टाइम मिल जाएगा, चाहे चार्ट लगने के बाद भी इसमें सीट अवेलेबल रहती है, करंट अवेलेबल, चाहे तो काउंटर से या फिर ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। सो अगर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में। सुविधा एक्सप्रेस की जर्नी कैसा लगा बताइएगा जरूर, और हाँ चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में, जब तक के लिए टाटा।